हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फूड रीमिक्स चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अनु सिंह। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और मेथी का सीज़न है, तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी के पराठे बनाने की रेसिपी। मेथी का पराठा बनाने के लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें 1 कप मेथी का इस्तेमाल किया है। मेथी के पत्ते को पहले छांट लिया है, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से धोकर बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेथी कम से कम 250 ग्राम तक है, यानी कि आप 2 गुच्छे मेथी का यूज़ करें। 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालें। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 बड़ा चम्मच तेल। पहले हम इस आटे के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को अच्छे से गुनेंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी डाल देने से आटा जो है वो हमारा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गुनेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मेथी यूज़ किया था, यानी कि 2 गुच्छे। अगर आपके मेथी के पत्ते छोटे छोटे हैं तो आपको सिर्फ उसे छाट कर और धो लीजिए अच्छे से, उसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरी मेथी के पत्ते थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने उसे छांटा और अच्छे से धोने के बाद उसको बारीक बारीक काट लिया। अब आटा जो है वो अच्छे से बाइंड हो गया है, तो अब बारी आती है इसे दोनों हाथों से अच्छे से गूंदने की। हम जितना अच्छा अपना आटा गूंदेंगे, उतना ही अच्छा हमारी पराठा या फिर रोटी बनेगी। सो अच्छे रोटी या पराठे का सीक्रेट जो है वो है अच्छे से आटे को गूंदना। आटा गूंदने के बाद मैं इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालूंगी और एक बार फिर से अच्छे से आटे को गूंद लूंगी। आटा भी गूंद के तैयार हो गया है। अब बारी आती है पराठे बनाने की। यहाँ पर मैंने सिर्फ गोल शेप का पराठा बनाया है, आप किसी भी शेप का पराठा बना सकते हैं। अब हम पराठे को तवे पर डालेंगे। कुछ टाइम बाद जब आपको दिखे कि पराठे के ऊपर बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब कि पराठे को पलटने का टाइम आ गया है। तो अब हम पराठे को पलटेंगे। मैं ये इसलिए स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में कुकिंग करना सीखा था तो मुझे नहीं समझ में आता था कि रोटी या पराठे को कब पलटना है, इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जब हमें लगे कि जब हमने पराठा या रोटी तवे पर रखा है और उसके 1 मिनट बाद हमें जब रोटी या पराठे पर बबल्स दिखने शुरू हो जाएं, मतलब कि अभी ये सही समय है रोटी या पराठे को पलटने का। दोनों तरफ से हम अच्छे से पराठे के ऊपर तेल या घी, जो भी आपको पसंद है वो लगाएंगे और बस झटपट मेथी के पराठे रेडी हैं। इस मेथी के पराठे को हम एज अ ब्रेकफास्ट या फिर लंच डिनर कभी भी आप खा सकते हैं। मुझे मेथी के पराठे पर्सनली चाय के साथ बहुत पसंद है। मेथी के पराठे को आप चाय के साथ या दाल के साथ या किसी भी सब्जी या दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इवन आप इस मेथी के पराठे को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेथी के पराठे कैसे लगे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। और आप अपने मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा अपनी रेसिपी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।